और खेल के मैदान से आपको खबर दें, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड्स जका अशरफ की मेलबर्न में खिलाड़ियों से मुलाकात, और मुलाकात सामने आ गई है। टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने जका अशरफ को टफ टाइम देने का प्लान बनाया। सीनियर खिलाड़ियों ने मोहम्मद रिजवान को चेयरमैन को आड़े हाथों लेने का टास्क दिया है। मोहम्मद रिजवान ने जका अशरफ से कहा है कि कुर्सी आनी जानी चीज है, आज आप हैं कल कोई और होगा, मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड कप कौन खेलेगा और कौन नहीं। बाबर आजम ने कहा कि सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत से। हसनैन बताइएगा, जका अशरफ की खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है? जी हाँ, चेयरमैन जका अशरफ और खिलाड़ियों के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों ने मोहम्मद रिजवान को चेयरमैन को आड़े हाथों लेने का जो है वो टास्क दिया था। प्लेयर्स पावर्स फिर से एक दफा सर उठाने लगी है। मोहम्मद रिजवान चेयरमैन बोर्ड को आंखें दिखाने लगे, कुर्सी आनी जानी चीज है, आप हैं, आप आज हैं कल नहीं है, ये कहना था मोहम्मद रिजवान का। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे काम किए जाएं जिससे कल आपको लोग याद रखें। ये मोहम्मद रिजवान का जका अशरफ के साथ मुकालमा था, और उन्होंने ये भी कहा कि मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड कप कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। फिर बाबर आजम के हवाले से जका अशरफ ने उनकी तरफ इशारा किया कि बाबर आप भी कुछ बोलें, तो चेयरमैन साहब की तरफ उन्होंने देखा और उन्होंने कहा जी कि सब अच्छा चल रहा है। और इसी तरह से जो है वो तमाम तर जो बातें हुई हैं चेयरमैन के साथ वो जका अशरफ ने की हैं, और बाकी तमाम तर खिलाड़ी जो है वो या तो हामी भरते रहे या फिर वहां पे इसी तरह रहे जिस तरह बस रिजवान जो बात कर रहे हैं वो उस सबसे एग्री हैं। हसनैन बताइएगा, जो बाबर आजम ने कहा है कि सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, ये किस तरफ इशारा है? देखिए, बाबर आजम ने सब अच्छा है सब ठीक चल रहा है इस वजह से भी कहा होगा कि उनकी अपनी रीसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है और ऑलरेडी वो तनकीद का निशाना बने हुए हैं, कप्तानी वो ऑलरेडी उनको हटा दिया गया, तो उनके लिए तो सब अच्छा इसी वजह से चल रहा है कि वो परफॉर्मेंस के बगैर भी टीम में मौजूद हैं। अगर वो परफॉर्मेंस देते तो शायद रिजवान की जगह वो बातें करते हुए नजर आते। तो इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेज, जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं वो मुकालमे करते हैं। और इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है रिजवान ने कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मतलब कि सीनियर प्लेयर्स में ये खदशात भी हैं कि शायद उनको वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप किया जाएगा। और तमाम तर जो मुकालमा हुआ है ये वर्ल्ड कप को सामने रख के हुआ है कि वर्ल्ड कप में हमें मालूम होना चाहिए जा रहे हैं नहीं जा रहे, टीम में हमारी पोजिशन क्या है और हर चीज क्लियर होनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी बात की है रिजवान ने कि आप जो है वो कुर्सी आनी जानी चीज है, आपको ऐसे काम करने चाहिए कि कल आपको लोग याद रखें। ठीक है, हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मोहम्मद रिजवान ने जका अशरफ से कहा कि कुर्सी आनी जानी चीज है, आज आप हैं कल कोई और होगा, मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड कप कौन खेलेगा और कौन नहीं।